कहाँ के रहने वाले? पाकिस्तान पे। फिलहाल हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। यदि नहीं मानोगे तो उसको भी मार दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। फिलहाल हम कुछ नहीं कहेंगे। एक लेडीज जी भी भीतर को घुस जाती है बोलते बोलते, पागल हो गए। वो ड्रामा कर रहे हैं, मुझे पसंद नहीं। इतना गुस्से में कि गुस्से नहीं साहब जी, मैं गुस्से नहीं हो रहा। लड़की क्या, आप कौन? ससुर हूँ मैं। वही होगा जो ये चाहती है। हमारे प्राण निकले जा रहे हैं मामले में, हम क्या कह सकते हैं ये। हर हर महादेव। अच्छा तो नहीं हुआ, चार बच्चों ने लेके आई है, हॉस्पिटल में एडमिट है। यदि नहीं मानोगे तो उसको भी मार दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। इतना गुस्से में कि गुस्से नहीं साहब जी, मैं गुस्से नहीं हो रहा। हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। आप पाकिस्तान से बहुरानी आए, क्या हुआ इतना नाराज? एक बात तो बताओ, एक मतलब एक लेडीज पानी भी जी भी नहीं भीतर को घुस जाती है बोलते बोलते, अब इतने 7 बजे से बोल रही है, इसको थोड़ा करना रोटी का पानी का आराम कुछ 10-5 मिनट के लिए चाहिए या नहीं चाहिए? लड़की क्या, आप कौन हुए? मैं क्या लड़की क्या, आप कौन हुए? ससुर हूँ मैं। ससुर है? हाँ जी। तो कैसे स्वागत करेंगे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन, ढोल धमाके से होगा। लेकिन बार बार वहाँ से मौलाना पाकिस्तान से धमकी दे रहे हैं, हैदर बार बार बोल रहा है। बोलन दो उनको, बोलन दो। हमारे इस्लाम के तहत निकाह हो गया है। हमारी योगी जी मोदी जी अभी बैठे हुए हैं, जो सरकार निर्णय लेगी अपने ऊपर निर्णय लेगी सरकार, वही होगा जो ये चाहती है। सीमा हैदर जो चाहती है वो होगा। आपका क्या नाम है? प्रेम का। क्या नाम है? प्रेम का। कहाँ के रहने वाले? पाकिस्तान पे। आपकी मम्मी भी आई है साथ में? हाँ। आपके सचिन, सचिन को जानती हैं आप? हाँ, मेरे पापा हैं आपके। और जो एक आपके एक और पापा हैदर हैं? वो मैंने नहीं है। नहीं है? मारते हैं हमको। मारते हैं आपको? क्यों मारते हैं आपको? गुस्सा आते हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान से आई है महिला यहाँ पर सचिन से मिलने? पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं आप? रबूपुरा के हैं भैया। आपके गांव में पाकिस्तान से एक महिला आई है सीमा हैदर नाम की, बहुरानी बन के आई है, क्या कहेंगे चाचा? और उसके बारे में क्या कहें भाई? कुछ स्वागत में कहिएगा कुछ ना। बस हम कुछ नहीं कह सकते उसके में, वो जो जैसे है ठीक है। सही है या गलत है अब ये तो देश देखेगा, अपना सरकार देखेगी इस बात है। बिल्कुल बोल रहे हैं, हर हर महादेव। फिलहाल हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या हो गया? आप क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, क्या कहेंगी? मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी सपोर्ट करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। लेकिन जिस तरीके से आपने अवैध तरीके से इलीगल तरीके सरहद को पार किया, क्या डर नहीं लगा आपको? डर लगा, पर मेरा और कोई रास्ता नहीं था, और मुझे यहाँ आना था। मैं इंडिया के वीजे के लिए ट्राई कर रहा, पर इंडिया का वीजा नहीं लगा सर, पाकिस्तान में इंडिया का वीजा नहीं लगा। लेकिन हैदर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हैदर पागल हो गए, हैदर पागल हो गए ये सुन के कि मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ। भैया एक मिनट, हैदर कह रहे थे कि पैसा देते हैं हम उनको सब, वो ड्रामा कर रहे हैं, मुझे पसंद नहीं। पूरा गांव में एक पाकिस्तान से महिला आई है सीमा हैदर, क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं? इस मामले में हम क्या कह सकते हैं ये? क्या कह सकते हैं बोलो आप? क्या सही है गलत है आना? अभी इस मामले में हम ना कह सकें भाई लोग कुछ भी। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जासूस भी हो सकती है, रॉ एजेंट भी हो सकती है। अब इस मामले में हम बता तो रहे हैं, जासूस हो या बेजासूस हो, इसमें हम ना कह सकें कुछ। अच्छा हुआ है पाकिस्तान से जो हमारी जो भाभी आई है, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ। उन्हीं को देखने हम यहाँ पे आए। अच्छा तो नहीं हुआ, चार बच्चों ने लेके आई है, पर चलो आ गई है तो बहुत तो है ही है। अब सगरे रूपरा की है और पास की है, सगरे भारत की है बहुत तो है ना भैया, अब तो रखनी तो पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान नहीं भेजोगे अब? वो जाएगी नहीं तो कैसे भेजेंगे, जबरदस्ती तो ना भेजी जाएगी। अगर कोई जासूस वासूस निकल गई तो फिर? अब भैया जासूस की तो वो ऊपर ले जाने पीछे वाले जाने, क्या करें क्या ना करें, भैया हम हिंदू हैं वो मुसलमान है, क्या कर भी सकते हैं क्या? तो हिंदू बन गई तो? हाँ अब तो हिंदू रानी है, अब तो वो बहुरानी है, गंगा जी नहा लांगे रानी बन जाएगी। हाँ जी, आई है महिला पाकिस्तान से। हाँ जी बहुरानी। हाँ जी आइए, हम तो अच्छा कहेंगे, बहुत बढ़िया आई है। सही? हाँ बहुत बढ़िया। आज कैसे कैसे के हमारे गाँव में आई है, लड़का के लिए शादी है कि बढ़िया खुशी थे, एक आदमी बस गया दो हमारे यहाँ।
बढ़िया जी, हम तो बहुत खुशी से। आप लोग क्या कहेंगे सर? बढ़िया हुआ जो आई हुई है, पर यहाँ जो है कुछ परेशानी इस तरह से बन रही है कि जो जनता है वो बेकाबू होके जा रही है, और काफ़ 3-4 दिन हो गए इंटरव्यू देते देते, तो स्वास्थ्य खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। हम भी 2 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। सुबह से है ही ना यहाँ पे, घर पे ही ना। सुबह कब निकली है? बेटा मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, पर जो कह रहे सुबह की दवाई लेने गई है अस्पताल में। सुबह से अभी तक नहीं आई ना।